रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। मैं फ़िश को फ्राई करूँगी और ये आप देख सकते हैं, इसको पहले भी मसाला लगा हुआ है। तो 24 आवर्स पहले या 12 आवर्स पहले मसाला लगा के रखना पड़ता है मैरिनेट करके, क्योंकि फिर उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये मैंने एक दफ़ा पहले लगा लिया है और जो है अभी फिर मैं मसाला तैयार करूँगी। और उसमें मैं ये लहसुन और सब्ज़ हरी मिर्चें और धनिया का पेस्ट भी लगाऊँगी इसको, क्योंकि ये तो फ्रेश ही अच्छा लगता है। और ये मेरे पास मछली मसाले का एक और पैकेट है, ये भी मैं इसको लगा दूँगी। दो अंडे हैं मेरे पास, तो हम जल्दी से पेस्ट बना लेते हैं और फिर लगाते हैं। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कर लिए, और अब मैं इसके अंदर ये मसाला ऐड करूँगी और थोड़ी सी ना मैं रेड मिर्चें भी ऐड करूँगी। अंडा मैं आपको इसके अंदर ऐड करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक ऐड किया, इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया और ना ही मैंने इतनी ज़्यादा मिर्चें ऐड की हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर हम लोग जो है ये सारा जो है फिश पे लगा देंगे, ठीक है। ओके, वीडियो को एंड तक देखिएगा जी। आप मैंने मसाला बहुत अच्छे से फिश को लगा दिया, तो बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। और मैंने जो है ऑयल कढ़ाई में डाल दिया ताकि वो गर्म हो जाए। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, अब ये गर्म हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर फ़िश फ्राई कर लेंगे। तो अभी ये गर्म नहीं हुआ, हो रहा है गर्म, हो जाए फिर इसके अंदर फुल गर्म होगा, फिर हम इसके अंदर फ़िश डाल देंगे। ऑयल गर्म हो रहा है, मैंने सोचा कि चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए हमारे पास है हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना और लहसुन और अदरक, ठीक है। इसको पहले मैं वॉश करूँगी, फिर हम इसकी चटनी बनाएंगे, फिर आपको साथ साथ दिखा देंगे। ओके, चटनी जो है ये बन जाएगी, अभी मैं इसको ऑन कर देती हूँ और तब तक मैं काम करती हूँ। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम जो है फ़िश डालते हैं। जो पहले पीसेस डाले थे थोड़े से, ये मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए और ये बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह। और ये मैंने और डाल दिए और फ्राई हो रही है। और अभी मैंने जो है ना सिलेंडर पे पकाना शुरू कर दिया, बिकॉज जो है गैस हमारी बिल्कुल नहीं आ रही, ये बात है। सर्दियों के बहुत रोले होते हैं, उसी में सारे तो अभी जो है अम्मी कह रही है वो सारी डाल के दिखाती हूँ। मैंने कहा नहीं, वो मैं पहले फ्राई किया, मैं कहा ये भी दिखा दूँ, अम्मी कह रही मेरे माल। अम्मी हम सारों के लिए दुआ कर, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी। अच्छा जी, तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर दिखाती हूँ आपको। ओके जी, ये हमारी फ़िश जो है ये बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह, वेरी टेस्टी। और ये हमने साथ चटनी भी तैयार कर ली थी। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ मैं विशली को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पी अमान।